प्रिय छात्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे ICSE हेल्प में। तो मेरे प्रिय छात्र, आज मैं जो आपका लेकर आया हूँ साखी यानी कबीरदास जी का आपका सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने कबीरदास का जीवन परिचय दिया था और उनके दो दोहे लिए थे। कुल पांच दोहे हैं आपके पहले चैप्टर में साखी में। तो आपका पाँच दोहों में आपको मैंने पहले में दो दिया और सेकेंड पार्ट आपका जो मैं आज लेकर आया हूँ तो वो तीन दो है। तो जो नए छात्र हों जो पहली बार देख रहे होंगे वो तो पहले पार्ट भी आप लोग देख लीजिए तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो वहाँ मैंने कबीरदास का जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी इवेंट है, जो उनके जन्म मरण का है, तो वहाँ मैंने ले लिया हूँ। तो जो नए हैं वहाँ जाके देख लें। तो आइए आज सेकेंड पार्ट में चर्चा करते हैं। और इसके पहले भी दोस्तों आपका कमेंट्स आ रहा था कि किसी का सारा आकाश, तो पूरे भारतवर्ष में कई तरह की किताबें चलती हैं, कहीं सारा आकाश चलता है किसी प्रदेश में आपका आषाढ़ का एक दिन चलता है यानी मोहन राकेश का। तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपको सारा आकाश भी मैं पढ़ाऊंगा और आपका आषाढ़ का एक दिन भी मैं पूरा समझाऊंगा आपका। तो जो भी आप कमेंट्स करेंगे आपको सारा मैटर यहाँ पर मिलेगा इस ICSE बोर्ड में। तो आइए आज हम लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट। तो तीसरे दोहे की बात करते हैं, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहले चैप्टर हमने दो दोहे और कबीर से जीवन से संबंधित सारा कुछ मैटर दे दिया है। तो कबीर से जीवन से संबंधित अब आपको मैं दूंगा नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको दिया हुआ है। आप लोग पीछे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलिए पहला हम लेते हैं यानी तीसरा दोहा लेते हैं। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कबीरा बहरा हुआ खुदाए। अब देखिए कबीरदास यहाँ पर एक करारा व्यंग करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति। वो सभी समुदाय के लोगों के प्रति करारा व्यंग ही करते थे, यानी जो बाहरी आडंबर है, जो मूर्ति पूजा है, वो घोर विरोधी थे। वो तो कहने का मतलब उन्होंने मुस्लिम समुदाय में एक चेतना जागृत की है, एक करारा व्यंग कसा है। क्या कसा है कि भैया कांकर पाथर जोड़ के, कांकर मतलब कंकड़। तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं पहले मस्जिद बनाते हैं और मस्जिद में आप अजान देते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप लोग सुनते होंगे। तो ये कबीरदास का कहना है कि कांकर पाथर मतलब पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लेते हैं, फिर नीचे की लाइन ता चढ़े, तो उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसमें जो चढ़ के क्या करते हैं बाग देते हैं, यानी अजान करते हैं। वो अपना पांचों पैर की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। तो पांचों पैर की नमाज जो उसमें मुल्ला जो होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं बाग दे क्या बहरो हुआ खुदा, क्या आपका खुदा जो है बहरा होता है, आप उसको बाग दे रहे हो, आप उसको आवाज़ दे रहे हो। तो खुदा का वास तो हमेशा लोगों के दिलों में होता है, चिल्लाने से, आवाज़ देने से, मूर्ति को पूजने से खुदा नहीं मिलेंगे, खुदा का वास लोगों के दिलों में ही होता है। तो कबीरदास जी का यही बस कहना है कि कहने का मतलब उनका यही तात्पर्य है कि आप खुदा बहरा नहीं है जो आप बाग दे रहे हो, आप अपने मन के अंदर बाग दीजिए, मन के अंदर झांक के देखिए, आपका खुदा यहीं पर छिपा हुआ है। तो कबीरदास जी का एक यही कहना था, क्योंकि सिकंदर लोधी जो उनके थे, वो उस ज़माने में मुस्लिम समुदाय के ही थे, वो राजा थे, तो उन्होंने इनको बहुत प्रताड़ित किया इसी चक्कर में, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे। इस दोहे को बोला, फिर उनको बोरे में भर कर गंगा जी में डुबकी यानी पत्थर बांध के भी उनको लटका दिया जाता था कि ये मर जाए, लेकिन वो बच के निकल आता था। अब चौथे की बात करते हैं। पाहन पूजे हर मिले मैं तो पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। अब देखिए तो यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भावना पहुँचाई ठेस में, अब यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों को करारा व्यंग करते हैं, यानी यहाँ पर मुस्लिम को कर दिया पहले दोहे में, अब यहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों को आहत करते हैं। तो क्या कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले। तो पाहन मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर पूजे यानी पत्थर को पूजने से हर मिले, यानी भगवान अगर मिल जाते हैं, अगर पत्थर के पूजने, घर में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं उनका कहने का मतलब यही कबीरदास जी का, मेरा कहने का मतलब नहीं दोस्तों, आप वो मत करिएगा, मेरे ऊपर कोई कमेंट्स मत करिएगा, ये मैं कबीरदास जी का मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं हिंदू समुदाय के लोगों के कि अगर पाहन के पूजने से, पत्थर को पूजने से हर मिलते हैं यानी भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं पूरा पहाड़, जो पूरा पत्थर का होता है, तो मैं वो पहाड़ पूजना चाहूँगा। तो उनका कहने का मतलब यही है कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलेंगे
तो मैं पहाड़ पूजूंगा, मुझे और भगवान मिलेंगे। अब देखें तो उन्होंने पत्थर को पूजने का पेशा किसको पूजने के लिए बोला है, ताते ये चाकी भली। ताते मतलब उसकी अपेक्षा, पत्थर की पूजने के पेशा से आप उस पत्थर की चकिया को पूजिए, यानी जो पत्थर की चक्की आप लोग आटा, आप तो खैर बाहर से चक्की से पिसवाते होंगे या आप लोग रेडीमेड ले लेते होंगे आटा वगैरह, तो पहले जो है घर की महिलाएं सुबह 4 बजे उठती थी, एक घर में होता था पत्थर का होता था जिसको बोलते थे जात, आप लोगों को ना पता होगा तो आप लोग अपने नाना नानी या दादा दादी से पूछिएगा कि सबसे पहले उस जात में सुबह महिलाएं उठती थी, गेहूं उसमें से पीसती थी, तब वो दिन भर दिन में उसका वो आटे का बनता था रोटी। तो कहने का मतलब कबीरदास जी ने कि क्या है भैया कि उस पहाड़ को पूजने की अपेक्षा, उस मूर्ति को पूजने की अपेक्षा हम क्या पूजेंगे, वो चाकी। कौन सी चाकी? जिस चाकी को पीस खाए संसार, जिस चाकी को यानी उस पत्थर की जो चकिया को हम पूजेंगे कि जिससे हमारे पेट की अग्नि शांति होती है, जिससे हमारा सारा संसार खाता है, जिससे सारे संसार का पेट भरता है, तो उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, हम पत्थर की मूर्ति पूजने की अपेक्षा किसको पूजेंगे भैया, उस चाकी को पूजेंगे जिस चाकी से हमारा पेट की अग्नि शांत होती है। तो देखा कबीरदास जी का कहना। अब देखिए अब अगले दोहे में चलते हैं। सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय, सात समंद की मसी करो गुरगुन लिखा न जाए, कबीरा गुरगुन लिखा न जाए। अब यहाँ पे देखिए इस पांचवें दोहे में कबीरदास जी गुरु की महत्ता का गुणगान करते हैं। कैसे गुणगान करते हैं आइए इसको समझाते हैं। तो सब धरती कागद करो, यानी सब धरती को, पूरे विश्व की धरती को हम क्या बना लें, कागद मतलब कागज, यानी सब धरती को हम क्या मान लें, कागज बना लें। लेखन सब बन रहा है, लेखन मतलब कलम, कलम मतलब आपका जो लिखने वाला होता है पेन जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो सब लेखन बन रहा है यानी सभी वनों की लकड़ियों को हम काट के क्या बना दे, कलम बना दे। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें सात समंद की मसी करो, तो सात मतलब कितने समंद, सात समंद मतलब समुद्र, यानी सात समंद, मसी मतलब स्याही, स्याही आपको न समझ आ रहा होगा, तो इंक, इंक मतलब स्याही, यानी मस मतलब स्याही, मस्य करो यानी सात समुंदर के जल को हम क्या बना ले, स्याही बना ले। गुर गुर लिखा न जाए, अब देखिए यहाँ पर तो सब धरती को हम क्या बना ले भैया, कागज बना ले, और सारे जितने विश्व में जंगल हैं उनकी लकड़ियों को काट कर हम क्या बना ले, पेन बना ले। मतलब इतना अतिशयोक्त अलंकार की बात की जा रही है। तो सब धरती को हम कागज बना लें और सारे जो है वनों की लकड़ियों को काट के हम कलम बना लें, फिर क्या बना लें, सातों समुद्रों को, सातों समुद्र में जितने पानी हैं उसको हम स्याही बना लें, इतना ज़्यादा, और गुर गुण लिखा ना जाए, तब भी गुरु की महिमा का बखान हम नहीं कर सकते। यानी यहाँ गुरु की महिमा का बखान बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो कबीरदास जी का यही है तीनों, तो तीनों आप लोगों ने देख लीजिएगा, अगर ना समझ पाए तो दोबारा आप लोगों ने वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, गुरु की महिमा का बखान है, इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध है, और बाहरी आडंबर का कबीरदास जी ने बोला है। तो तीनों को देख लीजिएगा और आपको जो भी चाहिए आप लोग कमेंट्स करिएगा, कमेंट जो भी आप करेंगे आपको सारे चैप्टर मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि पूरे भारत में कहीं कहीं दूसरी किताब चलती है, कहीं दूसरी किताब चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यूपी में कुछ और चलता है, एमपी में कुछ और, केरल में कुछ और, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।